नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24 न्यूज। मैं हूं राजन सिंह। अभी फिर मैं शहर की तरफ आया हूं और जिस तरह से लगातार लखनऊ में घटनाएं हो रहे हैं, लगातार जिस तरह से हत्या रेप ये मामले जो हैं लगातार अब देखने के लिए मिल रहा है। कानून व्यवस्था पे किस तरह से क्या अब व्यवस्था रह गया है, आम पब्लिक का क्या भरोसा रहा है कि नहीं रहा है कानून व्यवस्था पे, ये हम जानने के लिए अब यहाँ पे आए हैं। क्या कहेंगे, कानून व्यवस्था पे आपका जो भरोसा है अब कितना कायम है? कानून है, कानून क्या यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कानून है क्या? सिर्फ और सिर्फ बाबा का कानून है, उसका कल हत्या हो गया, आज रेप हो गया। वही बात, आप कंप्लीट तो होने दीजिए मेरी बात को। मैं कह तो रहा हूँ कोर्ट कचहरिया ये सब बंद कर देनी चाहिए। बाबा जब खुद ही अकेले सब कुछ फैसला किए ले रहे हैं, आप नोटिस करिए, इसमें एक बात बड़ी कॉमन है, जो अतीक अहमद और उसका सगा भाई मारा गया था उसमें भी जो तीन शूटर आए थे उन्हें महंगी रिवॉल्वर दी गई थी, और जो कल लड़का जिसके माँ बाप का इंटरव्यू मैंने देखा, वो एक बहुत गरीब परिवार से है और वो किसी शादी में कहीं किसी शहर में लखनऊ के आसपास में आए थे या लखनऊ में आए थे, वहां से फिर वो लौट के माँ बाप चले गए, ये फिर लखनऊ आया और ये कैसे वारदात को अंजाम दे गया, और ये इसके पास इतनी महंगी रिवॉल्वर कैसे आई, इसको भी जोड़ कर देखिए। ये बाबा का एक अपना कानून है और उसका अपना ही फैसला है। अभी देखिए ये ही हुआ, कल एक बच्ची का बलात्कार हुआ, आज हुआ इंदिरा नगर, आज मेरठ में एक और कांड हुआ है। औरत एक दूध ले जाती है या दूध का काम कर रही थी, उसको गोली मार दी गई। मेरठ का किस्सा आज का, अभी अभी मैं यूट्यूब पर देख रहा था। तो मैं सवाल यह है कि ये सारी जगह उत्तर प्रदेश से आ रही है और कानून व्यवस्था इतनी बढ़िया है, इतनी चौकस है कि गुंडे ही अब सत्ता चलाएंगे, गुंडे ही अब कानून बनाएंगे, गुंडे ही अब फैसला करेंगे और ऑन द स्पॉट करेंगे। और सबसे बढ़िया बात है बाबा की, एक सेकंड बाबा की सबसे अच्छी बात है, ये जहां भी जिसको भी ले जाके मारते हैं वो कोर्ट का हिस्सा होता है, या कोर्ट परिसर से पहले बाहर या कोर्ट परिसर के अंदर। बड़ा आसान सा तरीका, एक युवा खासकर जो 16-17 साल से लेके 22 साल के गुमराह हो रहे युवा, जिन्हें सिर्फ एक अचानक इतनी बड़ी रकम मिल जाना और एक हथियार जो कि लाखों रुपए का आता है, 7-8 लाख का हथियार आता है, वो कैसे इनको मुहैया हो जाता है और कितने पैसे में ये सौदा होता है कि कोर्ट के बाहर या कोर्ट के अंदर जज के सामने, जज डर के कुर्सी के नीचे बैठ जाता है। और ये भी, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं अच्छा हुआ गुंडा था मारा गया, माफिया था मारा गया, ये भी कह रहे हैं। हाँ तो सही बात है ना, गुंडों को मारो है तो गुंडा तैयार, नहीं गुंडों को मारो और एक गुंडा तैयार करो जिसको, बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल मेरे मुंह की बात छीन ली। तीन गुंडे पहले बनाए जब अतीक को मारा गया, चौथा गुंडा कल बन गया आपके देश में। तो सरकारें चलती इसी बिना पर हैं कि ये गुंडे बनाती हैं और उन्हें पालती भी हैं। वो युवा जो 20-22 साल के क्या कहते हैं कि ये, अच्छा आपके कहने का मतलब ये सरकार के गुंडे हैं क्या जो मार रहे हैं? सरकार के गुंडे, और आपको किसी और के दिख रहे हैं क्या? और किसी के दिख रहे हैं, कह रहे हैं कि इसमें छानबीन हो रहा है और तमाम सब चीजें अभी बात आएंगे बाहर। आपको मैंने क्या कहा, आप उसको अतीक अहमद के और इस केस को पूरे को देखो, एक जैसा ही है कि नहीं है? आपको वो भी कोर्ट के अंदर बाहर का किस्सा था और ये भी उसी तरीके से, हथियार इतने महंगे। अच्छा एक बात मान लीजिए, मैं कहता कोई और नया हो या शूटर हो या गैंगवार हो, आपस में आपसी दुश्मनी में मारा गया, तो इतना बढ़िया हथियार कैसे? महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, आज महिला को रेप करके मार दिया गया, ये कैसा मतलब? इस पे कानून व्यवस्था जो जिस तरह से बताते हैं कि जीरो टॉलरेंस की जो है नीति है कानून व्यवस्था की, वो आज आपको लगता है कि धूमिल नहीं होगी? नहीं, इसमें तो मैं थोड़ा सा लड़कियों के मामले में तो माँ बाप को भी दोषी ठहराता हूँ कि वो अपने बच्चों पर भी ध्यान दें, क्योंकि युवा अवस्था है। और आज यूट्यूब में जिस तरीके से दिखाया जाता है, शॉर्ट मूवी जो शॉर्ट पिक्चर बना के डाली जाती है, उसका एक बहुत बुरा इफेक्ट पड़ रहा है युवाओं पर कि वो ये सोचते हैं कि बहुत आसान चीज़ है, इसको बहुत जल्दी से पैसा कमाया जा सकता है। और वो किसी हिंदी गाने में वो डांस भी कर रहे हैं और उसमें मोमेंट भी गंदे मोमेंट कर रहे हैं, वो अपनी पिक्चर को इतना दिखा रहे हैं। और भी लोग हैं, अच्छा आप क्या कहेंगे? देखिए ये जो न्यायालय के अंदर ऐसी घटनाएं हो रही हैं एक महानिंदनीय है, और यही 1977 में जब इमरजेंसी लागू हुआ था तो इंदिरा जी को जो है
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी ने 24 घंटे के अंदर तलब कर लिया था और बना दिया था कि नियम कानून क्या होता है। मैं इसके बारे में सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी से और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी से गुहार लगा रहा। सामने तो मार दिया गया यार, हाई कोर्ट के न्यायाधीश बैठे थे उनके सामने गोली मार दी, उनसे गुहार हम लगा रहे हैं कि कानून व्यवस्था को लेके थोड़ा गंभीर है कि न्यायाधीश सब सुरक्षित हैं। है उनके सामने जब किसी को गोली मार दिया गया तो न्यायाधीश भी सुरक्षित हैं आपके समय में, ये आपको लगता है? ये हम उनसे गुहार लगाना चाहते हैं कि ये मतलब जो है संविधान का उल्लंघन, कानून का उल्लंघन हो रहा है, इस पर न्यायालय गंभीर पर है और न्यायालय जो है ये बताए सरकार को कि न्यायालय नियम कानून संविधान क्या चीज होता है। ये आपकी बात भी, क्या कहेंगे पूरे मामले पर, कल वाले मामले पर? कल वाले मामले पर ये कहेंगे कि हमें पूरे प्रदेश की जनता से अपील है कि ये इस चीज को पूर्ण रूप से जितने भी बदमाश हैं भारी, वे अब ये जान जाए कि वे कहीं भी रहेंगे जो कल तक कभी कोई हत्या या कोई अपराध नहीं किया था, आज उस व्यक्ति ने 20-22 साल की अवस्था वाले लड़के ने ये हरकत की है। यह निसंदेह सत्य है कि 1997 से लेकर के ये है ब्रह्मदत्त द्विवेदी को 97 में मारा और पुलिस भी वहाँ खड़ी थी, उस समय में भी बचाए। फिर इसके बाद ये व्यक्ति जो है कृष्णानंद राय को मारा, ऐसे हजारों कत्ल ये कर डाला था और न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों 1997 से और ने मारा तक ये क्या कर रहे हैं? जीवा ने मारा, हाँ जीवा ने मारा था। और उस जीवा को आज जो जनता ये कह रही है तो कहने मतलब पूरा जो है तंत्र ही बेकार है, तो तंत्र नहीं बेकार, तंत्र जो है एकदम राइट है, जरा सा भी गड़बड़ी नहीं है। देखते ही ऐसे लोगों को गोली मारी जा रही है, जो कुछ भी है ये लोग महासंत नहीं थे, ये महात्मा नहीं थे कि जो मारे गए हैं, ये जो मारे गए हैं ये अपने कुकर्मों और कर्मों से मारे गए हैं, इसलिए कोई इसमें सरकार पर कोई दोष लगाता है तो व्यर्थ है। पहले हमें खुद सुधर जाने की जरूरत है, हम ऐसे कृत्य क्यों करें कि किसी भी चौराहे पर अथवा किसी न्यायपालिका के जगह पर हमारा कत्ल हो रहा हो, ऐसा हमें काम नहीं करना चाहिए। पूरी जनता में हमें सभी से अपील है कि इस बात को ध्यान से देखने की जरूरत है। आने वाला समय अब महाभारी अपराधियों के लिए वह संरक्षण का प्रदेश उत्तर प्रदेश नहीं रहेगा, वो कहीं भी रहेंगे वो मारे जाएंगे, ये स्टार्टिंग है। इसलिए स्टार्टिंग पर हम सभी भाइयों को एकत्र होकर के एकता में और गलत कर्मों से बचने का प्रयास करें, जिससे जीवन में हम और अपनी पीढ़ियों को बचाने का एक संदेश दे जाएं। हम क्या कर रहे हैं, पहले हमें अपने गिरिवान को देखने की जरूरत है, किसी पर अंगुली उठाने क्या नाम ले। हमारा नाम जनार्दन उपाध्याय है। जनार्दन जी, आज वकीलों को तो एक ये भी मानना पड़ेगा कि कल जिस तरह से वो भाग रहा था अपराधी, वकीलों ने अपनी मतलब पूरी वहां पे अपनी दिलेरी दिखाई और उस अपराधी को दबोच लिया, उसके हाथ में पिस्टल था, वकीलों को भी गोली लग सकती थी, कई बार हाँ लगा भी। लेकिन दिल्ली वाला जो घटना हुआ, दिल्ली के लोगों के लिए ये शर्मसार की बात है कि एक युवती की हत्या करता रहा और दिल्ली के लोग वहां देखते रहे, हाँ। बचाए उसको पकड़े तक नहीं, लेकिन हमारे अधिवक्ताओं ने उसे पकड़ लिया, तो इस बात के लिए क्या कहेंगे उनको? अधिवक्ताओं ने जो किया वो कानूनन अच्छा किया और बहुत सुंदर काम किया है। अधिवक्ताओं को इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। लोगों को सीख लेना चाहिए ना, देश या प्रदेश में कहीं भी अपराधी आपके सामने अगर अपराध करता है तो बिल्कुल कर्तव्य बनता है एक एक व्यक्ति का कि उसको आप उसको पकड़े। जिस तरह से कल वकीलों ने उस वकील के भेष में जो अपराधी आया था उसको दौड़ा के पकड़ा, तब बाद में पुलिस ने उसको पकड़ा, तो ये सभी जो आम व्यक्ति हैं उनको ये देखना चाहिए और समझना चाहिए कि अगर आपके सामने कोई अपराध हो रहा है तो आप उस पे जरूर अंकुश लगाने के लिए आप अपना कदम बढ़ाइए। निंदनीय हुआ है इस पे, तो अगर पुलिस वाले अपराधी को तुरंत मार दिए होते तो हम समझते कि हाँ कानून व्यवस्था बढ़िया चल रहा है। ठीक है, कानून व्यवस्था पे तो अंगुली उठ रही है, तुरंत मार देते तो ये भी तो सवाल उठ जाता कि पुलिस का ही हाथ था और पुलिस ने ही मार दिया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्यों उठ जाता है, एक अपराधी खत्म हो। वकील कह रहे हैं, कोर्ट परिसर में वकील बोल रहे हैं कि 150 पुलिस उसको सुरक्षा देके उसको यहाँ से लेके वहाँ यहाँ से भाग। हमारे कहने का मतलब ये है जैसे एक अपराधी को मारा गया तो दूसरा अपराधी पैदा हो गया, दूसरा अपराधी फिर जन्म ले लिया ना, वही चलेगा ना 10 साल उसका चलेगा,
कोर्ट परिसर में चलेगा, उसका भी चलेगा 10 साल। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से उसको न्याय मिलता है या पनिशमेंट मिलता है। क्या मिलेगा यार, सब कानून अंधा है। जब जज के सामने गोली मार रहा है तब उसके बाद आप हम लोग अब कितना सुरक्षित हैं ये बताइए। कोई मतलब नहीं है सुरक्षा की, सुरक्षा ध्वस्त है। जिसको जो मतलब मारना चाहे वो मतलब मार सकता है, जिसको जो मर बिल्कुल खुली छूट है, चाहे जो जिसको मार दे। अब तो जज को भी मार, वो जान रहा है ना कि हमको फिर पुलिस बचाएगी, केस मुकदमा चलेगा। जब जज के ठीक सामने गोली मारी जा रही है तब इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है देश में। जज को भी मार सकता है आदमी, न्याय का कोई मतलब ही नहीं है। नहीं अगर उसको क्या कहते हो दादा, कानून व्यवस्था सही है, कानून व्यवस्था पे भरोसा है अभी आपको? कानून व्यवस्था सही, देखो जो मरने वाले हैं वो भी सही नहीं रखते, मारने वाले भी सही नहीं रखते। अगर मरने वाले किसी पुलिस की अभिरक्षा में किसी को मार सकते हैं तो फिर मारे जाएंगे कैसे? वो भी उसी तरह से मारे जाएंगे जैसे वो मार सकती है। ये तो मारे जाएंगे, हाँ वो ये तो एक गुंडे का सीधा कहा था कि उसी वक्त मार दिए जाते, उसी वक्त मारे जाए नहीं, उसी ढंग से मारे जाते। वो जानते हैं, देखो पुलिस की सुरक्षा में वो सुरक्षित था मारने वाला, पुलिस की वजह से वो सुरक्षित था। तो वकील जो है वो आरोप लगा रहे हैं पुलिस, हाँ वो तो पुलिस की सुरक्षा में था। पुलिस की सुरक्षा में अगर पुलिस उसको पता होता पुलिस हमको मारेगी, वो सवाल तो उठा ही रहे हैं कि कोर्ट परिसर में आखिर में बंदूक या तो पुलिस ले जाता है या तो फिर गार्ड वगैरह जो रहते हैं वही ले जाते हैं, ये कैसे लेके आ गया? तो ये हाँ वो सब मिली भगत होती है, ये मिली भगत से पुलिस वाले हिला कर देने, तो सरकार की मिली भगत है इसमें। और क्या हुए तो और भी है, क्या कहेंगे आप, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल अभी भाई साहब ने कहा जिस तरीके से कि उसे उसी वक्त मार देना चाहिए था जिसने उस अपराधी को गोली मारी, उसको तो जान से मार दिया। एक दो युवा एक फिर से वो उसका भी उसी तरीके का जन्म हो गया एक गुंडा, तो उसी वक्त अगर पुलिस जो है उसको मार देती तो मुझको लगता है कि लोगों में एक भय पैदा होता, जो ये जो इस कच्ची उम्र में जो ये अपराध करने को बड़ा सोच रहे हैं आसान तरीका मान रहे हैं, उसका पैसे का भाई अपराधी का हौसला तो बिल्कुल बुलंद हो रहा है कि हमको पुलिस बचा लेगी, हम जा करके चाहे सोच रहे हैं कि मारेंगे पुलिस हमको बचा लेगी और उसके बाद 10 साल बाद हम बरी हो जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा। युवा है हमारे साथ, ये बात करेंगे क्या क्या जो लखनऊ हाई कोर्ट की सुरक्षा बदलनी चाहिए, जो वहाँ के सिपाही है उनको हटा, जिस तरह से हाई कोर्ट जो नया वाला बना है वहाँ पे सीआरपीएफ की ड्यूटी रही थी, उस तरह से दीवानी में और ये जो अपना पुराना हाई कोर्ट उसमें होनी चाहिए। आपकी 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 पॉइंट सही है, क्योंकि जब सिपाही बैठा तो सिपाही जानते हैं मोबाइल में वीडियो बनाएंगे गेम खेलेंगे, क्योंकि हर आदमी जिगा बैठता हो जाए, लेकिन आरपीएफ वाला ऐसी सुरक्षा होती है जो सख्त पहरा होता होगा। मेन कारण सुरक्षा बदलने की, और दूसरा कारण अगर कोई भी व्यक्ति बदमाश अगर फायर कर रहा है तो उसके आप पैर में गोली मार दो जिससे उसका मनोबल ना बढ़े, इसी तरह से मनोबल बढ़ता जाएगा, इसके सरकार की छवि खराब होगी, उत्तर प्रदेश की पुलिस की छवि खराब होगी। और मैं बार एसोसिएशन के अपनी मीडिया माध्यम से कहना चाहता हूँ और सरकार से कि अधिवक्ताओं का ऐसा कार्ड बना दिया जाए जो अधिवक्ताओं के गले में हो, जिस तरह से प्राइवेट कंपनियों में एक प्राइवेट सेक्टर आदमी का एक कार्ड होता है कि उस जो कार्ड है अगर एंट्री दी जाएगी, अगर नहीं कार्ड है तो एंट्री नहीं दी जाएगी, उसी तरह से अधिवक्ताओं का भी एक कार्ड बनना चाहिए। अगर आप काला कोट पहन के कोई भी घुस कर किसी को मार दे, अधिवक्ताओं को बदनाम कर दे, इससे अधिवक्ताओं की छवि खराब हो रही। तो इसलिए एक कहीं ना कहीं सही है। आप क्या कहेंगे भैया, आप क्या कहेंगे पूरे मामले पे, आप क्या कहेंगे कानून व्यवस्था? जैसे 1990 में पिछड़े लोग देखते थे कि दो अपराधी एक मारता था दूसरे की कोर्ट में पेशी होती थी पिक्चरों में, उसके बाद जो है वहीं पर गोली मार दी जाती थी, सेम लखनऊ में यही हुआ। कि कानून व्यवस्था पर सीधा सवाल है कि पुलिस हमारी क्या कर रही है, सीधे कोर्ट में अगला जाता है और जज साहब बैठे होते हैं गोली चला देता है, तो सीधा सवाल जो है कानून व्यवस्था पर ही है कि कानून व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए, अगर इस तरह नहीं होगी तो आम जनता क्या सेफ होगी। जब लखनऊ कब स्टेट की पुलिस फेल है तो आम जनता की सुरक्षा पे सवाल तो उठता ही है और इस पे एक्शन होना चाहिए, बड़ा एक्शन। बिल्कुल, हमारे देखिए युवा जो बरकित थे ये इन्होंने बिल्कुल सही मांग किया है कि जो वहाँ पे लंबे समय से सिक्योरिटी की व्यवस्था थी पुलिस की वो कहीं ना कहीं चेंज होना चाहिए, तो इसमें कहीं ना कुछ बदलाव। लेकिन इस समय कानून व्यवस्था जिस तरह से ध्वस्त होते हुए दिखाई दे रहा है, जनता में बिल्कुल आक्रोश दिखाई दे रहा है, जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पे सवाल उठ रहे हैं
और इस समय सरकार भी अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रही है। अगर सरकार से सवाल हो रहा है तो सरकार इस पर पूरे मामले पे अभी चुप्पी साधी हुई है। कानून व्यवस्था पर अगर पूछा गया कि किस तरह से कानून व्यवस्था है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है, ऐसे में अभी सरकार भी चुप्पी साधी हुई है। अब आने वाले समय में क्या लोगों को ये सरकार सुरक्षित कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि लोग अभी डरे और सहमे हैं, सवाल उठा रहे हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन अंकित के साथ राजन सिंह, जगह 24x7 न्यूज़।